मेजर विजय मनकोटिया ने एक प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। 1 साल 4 महीने की सरकार में उन्हें अनदेखा किया गया। मनकोटिया का कहना है कि जब चुनाव का नतीजा आया तो मेरी सरकार मुझे कुछ बदली बदली सी नजर आई। यही नहीं, भीतर घात के चलते उन्हें खुद शाहपुर से जीतते जीतते हरा दिया गया। मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने कहा कि शाहपुर विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी का साथ देने का फैसला किया है और वे पार्टी के प्रत्याशी श्री चंद्र कुमार को भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। गेटफुल की एक जो शाहपुर में राष्ट्रपति बुलाए गए तो जो फंक्शन वहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हुआ, जो कॉलेज मैंने खुलवाया वहाँ शाहपुर में और जिस कॉलेज के लिए 27 परिवारों से हमने सैकड़ों एकड़ भूमि दान के रूप में दिलवाई, जिन्होंने मेरी वजह से दी, किसी को नहीं बुलाया गया, उस फंक्शन से दूर रखा गया। और फिर जब पूर्व सैनिकों का यहाँ उन्होंने छोटा सा वो एक फंक्शन करवाया टांडा मेडिकल कॉलेज की ऑडिटोरियम में, राहुल गांधी को बुला के, अभी तो जिस पूर्व सैनिक संघ का और जिस वन रैंक वन पेंशन की डिमांड लेके मैं कई बरसों से अपनी भूतपूर्व सैनिकों को इकट्ठा करके नेतृत्व दे रहा हूँ, उसमें भी मुझे नहीं बुलाया गया, इग्नोर कर दिया गया। एवरी टाइम जितनी बार इन्होंने मेजर विजय सिंह मनकोटिया को कांग्रेस पार्टी से हटाया उतनी ही बार कांग्रेस पार्टी हारी, ये ध्रुव सत्य है, यू कैन चेक द रिकॉर्ड्स, दिस इज अ हिस्टोरिक ट्रूथ। एवरी टाइम ये देवर अपसेट विद मी, क्योंकि मैं सच्चाई की बात करता था, मैं मुद्दे उठाता था, जान संबंधित मुद्दे उठाता था, इंसाफ के बारे में बोलता था, इट यूज टू अपसेट देम एंड दे यूज टू गेट रिड ऑफ मी कि इनको निकाल दो। तो जितनी बार इन्होंने निकाला उतनी बार कांग्रेस हारी और मजबूर होकर इनको मुझे लेना पड़ा और हर बार इन्होंने मुझे लिया कांग्रेस पार्टी जीती। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।